गाइस, ये खड़ी है हमारी गाड़ी और मैं भी नरवाल जम्मू। तो इतना लंबा बस का सफर मैंने पहली बार किया, लगभग ये रहा मेरा वही 42 आवर्स का टूर था ये बस वाला। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और हम पता नहीं कहाँ पे हैं, शायद गुजरात में। मेरी बैटरी हो गई थी ख़त्म तो वॉशरूम में चार्ज किया मैंने जल्दी। ये अपना दिल्ली। तो गाइस जो जो मेरे से हो पाया मैंने इस ब्लॉग में डाला है। वो ट्रेन का इशू इसलिए था क्योंकि जर्नल में आना नहीं चाहता था, क्योंकि जर्नल हमारा है तो मात्र 2 घंटे का सफर। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, बहुत थक हारने के बाद आखिर हमने डिसाइड किया कि हमें बस में जाना चाहिए और अब हम निकले हैं सूरत के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं सूरत में। तो गाइस ये बैठ चुके हैं हम एक होटल पे क्योंकि हमें लगी है भूख। दोपहर के बज चुके हैं 1:30 और अभी हम हैं सूरत में और अभी हम यहाँ से बस पकड़ेंगे सीधी जयपुर के लिए, क्योंकि भैया ट्रेन हमें नहीं मिली। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया आखिरकार 3 दिन के बाद कि अब हम बस में जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बस के सफ़र में। अभी मैं यहाँ से बस पकड़ूंगा जो कि दिल्ली के लिए है, तो क्योंकि ट्रेन में मुझे सीट नहीं मिल रही थी और जनरल में जाने का मेरा मन नहीं था। तो ये गाइस गुजराती थाली, ये छाछ मतलब लस्सी, ये मात्र 70 रुपये में। तो गाइस मैं खड़ा हूँ अभी सूरत में, यहाँ से हमारी बस दिल्ली के लिए। दिल्ली नहीं है, डायरेक्ट जयपुर है, जयपुर से शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो अभी खाया मैंने खाना ठीक ठाक था। तो फाइनली गाइस बहुत इंतज़ार करवाने के बाद ये बस आ चुकी है हमारी, अच्छी खासी है, ठीक ठाक चलेगी। अभी फ़िलहाल हम बज चुके हैं 4:30, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं रास्ते में। तो ये कुछ ऐसा है हमारा डब्बा टाइप का, मान के चलिए 2 सीटें हैं इसमें, तो एक हम हैं और एक पता नहीं कोई और है। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए। तो अभी शाम है, तो पीछे क्या गर्मी थी यार, क्या बताऊँ, पसीना ऐसे बह रहा था जैसे बारिश पड़ रही हो। तो गाइस हम अभी अननोन लोकेशन पे, मुझे नहीं पता, फ़ोन की बैटरी भी डेड है, मात्र 3% है और यहाँ पे हमें रोका गया खाना खाने के लिए। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और हम पता नहीं कहाँ पे हैं, शायद गुजरात में। मेरी बैटरी हो गई थी ख़त्म तो वॉशरूम में चार्ज किया मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया, क्योंकि गाड़ी में स्लॉट तो है पर चार्जिंग हो नहीं रही थी, मतलब शायद उसने बंद करके रखा है। अब गाड़ी हो चुकी है तैयार, फ़ोन हो चुका है 40% जल्दी जल्दी में, यही अच्छी बात है फास्ट चार्जिंग की। तो सर मात्र 10 मिनट खड़ा रहा, हमें 40% मिल गया मुझे। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा सुकून की सांस ले सकता हूँ क्योंकि बैटरी बढ़ी है 40%। तो चलिए बाय। तो गाइस फाइनली हम हैं राजस्थान में, अजमेर पहुंचने वाले हैं। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है यार, बाय रोड बताऊं तो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त हो रहा है मेरा, क्योंकि एक तो मज़ा आ रहा है लेट लेट के बाहर देखने में, क्योंकि बस का मज़ा पहली बार ले रहा हूं, और साथ में मेरे पास वगैरह है खाने के लिए, आम वगैरह हैं, तो इसके भी काफ़ी मज़े आ रहे हैं। तो गाइस ये अजमेर हम कर चुके हैं क्रॉस और अभी टाइम हो चुका है 10:30, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं जयपुर। तो गाइस कुछ ही दूर है हम जयपुर से और ये रास्ते में जो दृश्य हमें दिख रहे हैं उनको हम कैप्चर कर रहे हैं कैमरे में। देखिए मंदिर कितने अच्छे लग रहे हैं। गाइस ये अपना दिल्ली, ये मेट्रो स्टेशन सामने और ये दिल्ली का ट्रैफिक। इंसिडेंसली मेरे पास मेट्रो का कार्ड था मेरे पर्स में, तो अभी इसका यूज़ हो गया क्योंकि मुझे टिकट का पता नहीं चल रहा था कुछ, तो ये भी कोइंसिडेंस है क्योंकि 2 साल पुराना कार्ड था मेरे पास जो अभी यूज़ हो रहा है मेरे पास। चलिए बाय, हमें भी मेट्रो स्टेशन दिल्ली में है। तो बाय, ये खड़ी है हमारी गाड़ी और मैं भी नरवाल जम्मू, पता नहीं कितना टाइम लगाएगी यहाँ पर, 10 मिनट से रोका हुआ, शायद और 10 मिनट लग जाए। वहाँ सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ बोल के मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बस खुद डिले आ रहे हैं।
तो धूप बहुत है, मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो अब हम बैठेंगे ऊपर और दिखाएंगे आपको व्यू कटरा से, सॉरी जम्मू से कटरा तक। तो गाइस मैंने सीट शिफ्ट की है ऊपर क्योंकि खाली हो चुकी है गाड़ी, तो अब हम ऊपर हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर। तो दिखाते हैं आपको रास्ते के बाद से, ये गाड़ी खाली हो चुकी है, ये पता नहीं किसी ने गन डाल के रखी है और ये हम ऊपर हैं। तो दिखाते हैं रास्ता, फिर मिलते हैं अगले एक और ब्लॉग में, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कुछ नई जगह आप भी देखोगे और मुझे भी देखने को मिलेगी। तो चलिए फिलहाल करते हैं ब्लॉग का दी एंड। तो हम पहुंच चुके हैं कटरा, मतलब पहुंचने वाले हैं। चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।